छपरा के मांझी से आपको एक खबर बताते हैं, जहां पर मॉब लिंचिंग का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक युवक को लोग बेरहमी से मुर्गी फार्म में पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन कहां है। बताते चले आपको कि कहा यह जा रहा है कि स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि विजय राय ने अपने ऊपर फायरिंग करने का आरोप लगाकर तीन युवकों को बंधक बना लिया था, और उसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने तीनों युवक की जमकर पिटाई की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों का पटना में इलाज इस वक्त जारी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों ने काफी हंगामा भी किया था और पुलिस पर पथराव भी यहां पर किया गया था। अब ये वीडियो सामने आया है और इसके बाद फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और देखिए, सीनियर आईएएस ऑफिसर के पाठक का अब एक और वीडियो सामने आ चुका है, और इस वीडियो में भी के पाठक मीटिंग के दौरान आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वीडियो आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। मीटिंग के दौरान उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव बैठक के दौरान अधिकारियों को डांट फटकार लगा रहे हैं। तीन दिनों के अंदर के पाठक का ये दूसरा वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है। एक सीनियर अधिकारी का बार बार वीडियो का वायरल होना खुद कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि के पाठक को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेवारी सीएम नीतीश कुमार ने तब दी थी जब विभाग पर सवाल उठ रहे थे, और ये दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें के पाठक एक मीटिंग में नजर आ रहे हैं और यहां पर वो अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं और अभद्र भाषा का उनकी ओर से प्रयोग किया जा रहा है। सर 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 बोले वो सर करेंगे, ये सर करेंगे, अब सर ही तो है यहां आके कह रहे हैं। कहां मर गया ये रोहतास, किधर है? सबके सब निकम्मे।